गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर से एक न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आई है, उस बारे में मुझे आप सभी को जानकारी देनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो एल सल्वाडोर अपने एक सेक्शन में काफ़ी फेमस है, मोस्टली सभी को पता होगा क्या कौन सा सेक्शन में फेमस है एल सल्वाडोर, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कौन से सेक्शन में वो फेमस है, ठीक है। तो जो पॉलिसी आई है उस बारे में हम बात करते हैं। तो सभी अफ्रीकन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया के लिए क्या जो भी इनकमिंग ट्रेवलर्स है जो एल सल्वाडोर आ रहे हैं, तो उनके एयर टिकट के साथ में प्लस टैक्स, ठीक है, जो एयर टिकट बनती होगी 1,50,000 अभी जो कॉस्टिंग होगी रिटर्न टिकट की, एज ए एग्जाम्पल अगर 1.5 लाख रुपया होता होगा 1,00,000 1,50,000, तो 1,130 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो नियरली 1 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएगा एज अ टैक्स। ये एल सल्वाडोर ने इनकमिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम ओनली फॉर अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडिया के लिए लगाया है। तो ये जो टैक्स है 1,130 हो रहा है, 1,000 प्लस 13% GST इज इक्वल टू 1,130 हो रहा है, ठीक है। तो 1 लाख रुपया आप अपने एयर टिकट के साथ में जोड़ लीजिए। ये क्यों किया रीज़न, ठीक है, ये रीज़न इसलिए किया कि काफ़ी इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं एल सल्वाडोर से, काफ़ी मोटी मोटी रकम पेमेंट पे करते हैं एजेंट को और इसी पाथवे से अंदर आने का ट्राई करते हैं, अंदर आते हैं, डोंकी लगवाते हैं, आपको पता होगा डोंकी वर्ड, ठीक है। तो डोंकी लगवाते हैं, इसी रूट से जाते हैं US के अंदर, ठीक है। तो ये एक रूट यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इलीगल माइग्रेंट्स काफ़ी आ रहे थे US के अंदर इसी रूट से, ठीक है। तो इन्होंने US का भी प्रेशर है, तो US ने भी काफ़ी लतिन अमेरिकन कंट्री के ऊपर प्रेशर किया है कि आप इन्हें आपके पाथवे से, आपके कंट्री से इलीगल माइग्रेंट रोके, ठीक है। काफ़ी US में एंटर हो रहे थे इस रूट से, तो इसलिए इन्होंने ये किया है। तो इस रीज़न से काफ़ी जो कंट्रीज है, इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर पहले बिफोर इस वीज़ा ऑन अरेवल था इक्वाडोर का, सर्बिया भी पहले वीज़ा ऑन अरेवल था, लेकिन सर्बिया से यूरोप में इलीगल डोंकी लग जाते थे, ठीक है। तो काफ़ी सर्बिया से भी काफ़ी इलीगल माइग्रेंट जाते थे यूरोप के अंदर। एल सल्वाडोर से, इक्वाडोर पहले वीज़ा ऑन अरेवल था, अभी ये हो गया वीज़ा लगता है। तो एल सल्वाडोर ने क्या किया कि यहाँ पे टैक्स लगवा दिया, इसने कैंसिल नहीं किया वीज़ा ऑन अरेवल। एल सल्वाडोर ने वीज़ा ऑन अरेवल तो रखा है, लेकिन उसमें टैक्स इंक्लूड किया है। जो 1.5 लाख का 1,50,000 की टिकट्स थी वो 2.5 लाख रुपये हो गए, तो अभी ये आने के लिए भी सोचेगा, ठीक है। लेकिन जो पैसे भर के पैसे एजेंट को देते तो उनके लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या उन्हें तो US में ही जाना है कुछ भी करके, कैसे भी डोंकी लगवा के वो तो पे कर ही देंगे। लेकिन ये आप एक बात सोचिए कि इतना पैसा भर रहे हो आप, ठीक है, एटिकेट के अंदर, लेकिन वहाँ से भी डिपोर्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एल सल्वाडोर से, और डिपोर्ट हो जाते तो एटिकेट के पैसे तो गए। और इसमें जो दिक्कत होगी, जो 0.05% इंडियंस, ठीक है, वो जेन्यून हो गए, वो घूमने जाने वाले हो गए एल सल्वाडोर, ठीक है, एवरी ईयर जाते भी हो गए काफ़ी इंडियंस, तो जो जेन्यून टूरिज़म टूरिस्ट पर्पज़ से जाते हैं एल सल्वाडोर, तो उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत हो गई। उनको अगर डिपोर्ट किया जाता है तो उनका तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, अराउंड 2.5 लाख 2,50,000 3 लाख रुपीज़ अभी जो बढ़ा दिया है टैक्स न्यू पॉलिसी के वजह से, राइट, तो वो बड़ा लॉस हो जाता है उनको, ये रिफंड होगा नहीं। तो डिपोर्ट का भी स्टैम्प लग गया, ऊपर से ये भी नहीं मिला, एंट्री भी नहीं मिली, तो ये सब दिक्कत हो जाती है जो लीगली जो घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए, राइट। तो ये एक न्यू लॉ था वो मैंने आपको बताया। और बाकी जो कंट्री थी, सर्बिया थी, उनका भी वीज़ा ऑन अरेवल था, तो वो भी बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ से भी यूरोप में काफ़ी एक्सेस हो रहा था। इक्वाडोर ने पहले बंद कर दिया। जॉर्जिया का पहले ई वीज़ा था, वो इजी था सिस्टम, वहाँ से मिल जाता था, अभी उनका भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो काफ़ी US ने प्रेशर किया जो लतिन अमेरिकन कंट्रीज है उनके ऊपर कि आप अपना अपने साइड से इलीगल जो माइग्रेंट्स है रोके। लेकिन एल सल्वाडोर ने क्या किया, क्या आइए आप सभी लोग यहाँ पे आइए, ठीक है, लेकिन आप जो 1 लाख रुपया पहले पैसे देते थे टिकट्स के लिए, अभी उसका डायरेक्ट डबल हो गया, राइट, 2,00,000 2,50,000 हो गया, टिकट की प्राइस बढ़ गई। और उसके बाद भी फ्रेंड्स, वो हमें गारंटी नहीं है कि हमें वो एंट्री देते, अगर एयरपोर्ट से हमें वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न करके, क्या वी कैन नॉट अलाउ यू टू एंटर इन दिस कंट्री फॉर सिक्योरिटी रीज़न, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वापस आना होगा और टिकट के पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, राइट फ्रेंड्स। तो यही है फ्रेंड्स, तो मेक श्योर आप जाने वाले होंगे तो ज़रा कॉशियस होके जाइए, क्योंकि डिपोटेशन चार्जेस बढ़ जाए, ये चांस बढ़ जाएगा एल सल्वाडोर के लिए, और प्लस जो एयर टिकट की जो प्राइसिंग है अफ्रीकन्स और सभी अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियंस के लिए
वो भी बढ़ जाती है, और इसमें डिपोर्ट होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी ये हो जाती है, थोड़ी खराबी हो जाती है, राइट। जो अगर डिपोर्ट का स्टैम्प पासपोर्ट पे लग जाएगा तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी हम इंडियंस के लिए जो जेन्युइन घूमने जाने वाले इंडियंस थे वहाँ पे, राइट। और एल सेल्वाडोर का तो आपको पता है कि ये भी एक पाथवे है यूएस में इलीगली एंटर करते हैं, राइट। तो यही है, इसी जो रीज़न है, यही बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए इन्होंने एल सेल्वाडोर ने बंद नहीं किया वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन जो टिकट का रेट से वो बढ़ा दिया, और ऊपर से वो गारंटी भी नहीं है कि हमें अंदर अलाउ होगा मिलेगा या फॉर ए सिक्योरिटी रीज़न दे के हमें वापस भेज देंगे इंडिया, राइट। तो ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो जेन्युइन टूरिज्म पर्पस है उसके लिए तो उनके लिए तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, अगर उनको ये वापस रिटर्न भेज दिया तो उनका तो पूरा पैसा ये हो गया, वेस्ट हो गया, यहाँ तक इतना खर्चा किया वहाँ पर पहुँचे और ऊपर से एंट्री भी नहीं मिली, राइट। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो गई है हम सभी के लिए, इंडियंस के लिए इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। यही न्यूज़ था, और कुछ भी होगा, कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देव का ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।